हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बस अभी उठा हूँ, सुबह के 4 बज रहे हैं। आज मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। रात को सोच के सोया था कि जल्दी उठूँगा। एक टाइम था जब रोज़ाना उठा करता था 4 बजे, फिर वो आदत छूट गई। तो अब कभी कभी हो गया, पर ट्राई कर रहा हूँ। इस साल से जो है शुरुआत है, अभी साल की 2023 की, तो इस साल से जो है इस आदत को दोबारा किया जाए। तो अभी उठा, पानी वानी पिया है, तो उसके बाद सोच रहा हूँ फ्रेश वगैरह होके निकलते हैं अपनी जिम पे। मैंने और मेरी वाइफ ने जो है जिम ज्वाइन करा है, तो ट्राई करेंगे रेगुलर जाने का। और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग हो जाए तो अच्छा रहे शरीर। क्या थोड़े से क्या बोलते हैं, मोटे हो गए हैं, तो करते हैं, सुधरते हैं, थोड़ा काम करते हैं इस पे, है ना। मिलते हैं आप लोगों से। और दोस्तों, बस यार अभी फ्रेश फ्रेश होके जो है अदरक का पानी बना रहा हूँ मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए, और उसके बाद उसको जगाऊंगा, क्योंकि हमारी बेगम तभी जगती है जब अदरक का पानी जो है बिस्तर पर पहुँचे। वही कर रहे हैं, और उसके बाद में अदरक का पानी पियेंगी तो रेडी होंगी। और ऐसे सोचे हैं दोनों कि 2022 में तो हुई पेट पूजा, और 2023 में करेंगे थोड़ा सा रंग रूप और हेल्थ पे ध्यान। तो जिम ज्वाइन करी हमने 1 तारीख को, प्लानेट फिटनेस नाम से जिम है हमारे पास में, उसको ज्वाइन कराए। सस्ता है कंपेरेटिवली, यहाँ के हिसाब से देखो, यूएस के हिसाब से तो $25 में दोनों का हो जाता है। उनके अलग अलग प्रकार की मेंबरशिप है, उनमें से एक जो उनकी एक प्रीमियम मेंबरशिप है ब्लैक कार्ड करके, तो उसका फ़ायदा ये है कि मैं जैसे प्राइमरी मेंबर हो गया तो मैं डेली एक गेस्ट ले जा सकता हूँ। तो उसको हमने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हम साथ में ही जाते हैं। तो फिर बेहतर है वो ले लो। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसकी जितनी भी लोकेशंस हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनका हमें एक्सेस है। तो यही सोच के करी है, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो 5 से 10 मिनट में वहाँ हम पहुँच जाते हैं। तो एक दिन गए, अच्छा लगा, दूसरे दिन फिर नहीं गए क्योंकि नींद आ रही थी। तो आज से फिर सोचे, थोड़ा सा बुरा लगता है नहीं कर पाए, बिल्कुल ऐसा लगता है अरे यार चले जाते अच्छा लगा। तो वही सोच के फिर सोचा कि अरे आज से हम डेली रेगुलर जाएंगे और एक दूसरे को पुश करेंगे कि भाई तू भी चल, मैं भी चलूँ, मैं भी चलूँ, तू भी चल। तो बस अदरक का पानी बन गया, और बस हम जगाते हैं बेगम को, मिलते हैं आपसे। लो जी, ये हमारी बेगम जो कि उठ गई हैं और मज़े ले रही हैं अदरक के पानी के। और जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, वो आईपैड और आज के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बिना कुछ हिलते नहीं है, तो इन्होंने भी अपना आईपैड ले लिया है। और जी, कैसा लग रहा है सुबह उठ के इतनी जल्दी? ज्यादा जल्दी उठा दिया, अभी 5-15 मिनट बाकी थे, 5 बजे। 5 तो बजा दिए ना बेड पे, बात हुई थी हमारी कि 5 बजे हम दोनों बेड से उठ चुके होंगे और अपना फ्रेश अप वगैरह होके तैयार हो गए होंगे, लेकिन अब हो गए 5:15 और अभी भी हम इतना इंतजार कर रहे हैं। और आप, मेरे को लग रहा कैमरा ऑन होते ही फटाफट पी लिया अदरक का पानी, ये अच्छा तरीका है, तो कैमरा ऑन ही रखेंगे फिर तो अगर। चलो जी, अब तैयार हो जाओ। हाँ ठीक है, चलो उठते हैं। ओके। वो जी, अंधेरा हो रहा है, तो धुआं आ रहा है कि मुंह से? हाँ, आ रहे हैं। तो जी, हम निकल चुके हैं जिम के लिए। लो जी, बात करो। हाय गाइस, बोथ आर रेडी, अब हम लोग जा रहे हैं जिम के लिए। काफी अंधेरा है, ऑलरेडी 6 बजने वाले आई थिंक,
ओ साढ़े पाँच गाड़ी पे भी देखो जम रही है वो बर्फ। जी आ गए हम लोग जिम से। तो मैडम कैसा रहा जिम? ज़्यादा थकाने वाला नहीं रहा। क्या क्या किया आज तुम पहला दिन था तो? आज स्ट्रेचिंग करी और ट्रेडमिल पे वॉक करी। हाँ बस। कितनी देर करी वॉक? 20 मिनट्स 1 माइल हनी। अच्छा, और कैलोरी ऐसे बर्न दिखाता है क्या उसमें? दिखाता तो है। कितनी करी कैलोरी बर्न? काउंट याद नहीं, मे बी समवेयर अराउंड 117। क्या बात है, बढ़िया। और हमने दोस्तों केवल स्ट्रेचिंग करी थोड़ी बहुत, एक उछल कूद करी, फिर ट्रेडमिल करी थी 10 मिनट के लिए, और डंबल क्या बोलते हैं उसको, डंबल कर्ल वो किया था एक सेट। पहला दिन है, कोशिश करेंगे जाने की। तो यू फील मोटिवेटेड? हाईली मोटिवेटेड। कल भी चलोगे? तो कल सोना है। तो बस अभी हम सोच रहे हैं वॉक कर लें एक राउंड अपनी कम्युनिटी का, और फिर हम अंदर जाएंगे और अपनी दिनचर्या चालू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी में हम लोग जाके करेंगे थोड़ा अपना अपना काम। ये करेंगे अपने ऑफिस का काम और मैं करूँगी अपने थोड़ा सा पढ़ाई। देखती हूँ, आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअली थोड़ा, कि एक एटलीस्ट एक रूटीन फॉलो होता है तो खुद को भी अच्छा लगता है। अब बीच बीच में गैस देख के आ रहे हो? मैं वही बना रही हूँ, मैं बता रही हूँ सबको कि हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, अब एकदम से गैस देखने जा रहे हैं, बताओ। चलो खैर कोई बात नहीं, ये तो हो गई होगा। घर से जब निकलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कि भाई आपका सब सही से है नहीं है। यहाँ पे तो एक्चुअली ये सब चीज़ें वैसे भी ध्यान से रखना ही पड़ता है। तो गैस चलो चलते हैं अब हम लोग। ये हमारा एक बाहर का है सारा, सुबह तब तो अंधेरा हो रहा था, अब काफ़ी रोशनी है। तो सुनो, सब ले लिया? हाँ सब ले लिया मैंने, आईपैड सब ले लिया, कॉपी किताब सब ले लिया। कौन सा पानी पीने का है? आके डाल पीने का पानी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ समझ गई समझ। हाँ बैठ रहे गाइस। जब हम लोग जा रहे हैं एंड इनका काम एक ही है कि एक ही गेट को कम से कम 4 से 5 बार देखना और खुद भी कंफ्यूज होना और मुझे भी कंफ्यूज करना। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है एक्चुअली। मैं काफ़ी टाइम के बाद प्लान कर रही हूँ ऐसे पढ़ाई का, एंड जैसे कि मैं अपने कॉलेज में पढ़ा करती थी। एक सेकेंड रुक जाओ, एक मिनट गाइस, थोड़ा ना मेरा ये सीट बेल्ट लगाने का है सीन। Got it, लग गया। हाँ तो वही मैं बता रही थी कि काफ़ी टाइम के बाद मैं ऐसे कॉलेज के अंदर जैसे पढ़ने जाती थी लाइब्रेरी में, वैसे ही अब मैं यहाँ पे भी ट्राई कर रही हूँ कि भैया मैं वैसा रूटीन फॉलो करूँ और थोड़ा सा अपने स्किल्स पे और पढ़ाई पे ध्यान दूँ। गाड़ी में चीज़ें ज़्यादा हो गई, जगह कम हो गई, ये ले जाते हैं यार अपन अंदर। ये तो आपने ही गलती किया ना, देखो कितना कितनी गंदी करके रखते हैं अपनी गाड़ी पूरी। दिखानी बहुत ज़रूरी है तभी शायद हम साफ कर पाएंगे इसको। ओके तो और जी क्या बात हो रही है? वही बता रही हूँ कि मैं कितने टाइम के बाद एक्चुअली कॉलेज वाली फीलिंग लेने जा रही हूँ। लाइक एक साल से तो मतलब आई एम एंजॉइंग माई मैरिड लाइफ, तो उसके बाद अब थोड़ा टाइम मैं कैसे खुद को खुद के स्किल सेट पे दूंगी, खुद को दूंगी। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। क्या क्या पढ़ने वाली हो, क्या क्या चीजें पे मेन फोकस रहेगा? एक्चुअली मेन फोकस तो ये रहेगा जो अभी मैंने एक्चुअली गाइस मैंने कुछ कोर्सेज लिए हैं उडेमी से, और मैंने वहाँ से दो कोर्स लिए हुए हैं, एक है PMP सर्टिफिकेशन का और एक मैंने एक्सेल का लिया हुआ है। तो मैं एज अ लाइक एज एन एसोसिएट बिजनेस एनालिस्ट काम कर रही थी पहले अपनी लास्ट कंपनी में, तो अब मैं बेसिकली यू नो कन्फ्यूज थी कि मैं किस डोमेन में जाऊँ, और मेरा जो लास्ट एक्सपीरियंस था वो भी इन SAP डोमेन ही था। तो अब मैंने कोशिश ये करी हूँ कि मैं SAP की अपनी SD का थोड़ा सर्टिफिकेशन कर लूँ,
तो आई एम जस्ट गोना प्रिपेयर फॉर दैट. और बाकी मेरा एक्सेल और पीएमपी चल रहा है यूडेमी से, तो वो मैं क्लोज करना चाह रही हूँ नेक्स्ट वन क्वार्टर. तो ये मेरा गोल है, मुझे नहीं पता मैं कितना अचीव कर पाऊंगी, बट हाँ ये मेरा गोल है कि हाँ ठीक है न्यू ईयर से मेरा रेजोल्यूशन है कि इसको कंप्लीट करें. आज बहुत सनी डे है, बहुत धूप हो रही है. देखो आज काफी दिनों बाद हमारे यहाँ पे इतनी तेज धूप निकली है. रोज हम लोग का वही ठंड का मौसम रहता है तो हम लोग का मन भी नहीं करता है बाहर निकलने का. पूरा दिन हम लोग घर में रहते हैं एंड जाते हैं हम लोग बाहर भी घूमते फिरते हैं, बट ऐसे नहीं जाते, मतलब किसी काम से नहीं जाते, वेले पंथी के लिए जाते हैं. घूमे तो बहुत हैं अपन, बस शेयर नहीं करा, रिकॉर्ड नहीं करा. एग्जैक्टली बट अब वो भी हम लोग करने का सोच रहे हैं, वो भी हम इसमें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे सारा व्लॉग वगैरह. और ये जो दोनों का ही हमारा जो इंटेंशन है कि व्लॉग क्यों बना रहे हैं, उसका ये नहीं है कि कोई पैसा कमाना है या फिर कोई फेमस होना है वगैरह. वो तो अपने आप आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी गाड़ी चल रही है. द मेन इंटेंशन इज टू लॉग थिंग्स के जब हम फ्यूचर में 10 साल बाद 15 साल बाद इन लम्हों को याद कर पाए कि यार ये कर रहे थे वो कर रहे थे, क्योंकि वैसे याद नहीं रह पाते. तो वीडियो लॉग रहेंगे, यूट्यूब है जो अपन को इनफाइनाइट हार्ड डिस्क दे रहा है एक तरह से, यहाँ पे आप अपना जाओ अपलोड कर दो, जिंदगी भर रहेगा वो वहाँ पे जब तक आप खुद रिमूव नहीं कर रहे. तो इंटेंशन वही है ना मेरा, तो दिमाग में वही चीज है. एग्जैक्टली. एंड आई मीन आपको बहुत बड़ा ओपन प्लेटफॉर्म मिलता है ना यार इससे. मतलब आप अकेले नहीं होते हो, आपके पास में बहुत सारे लोग हैं, मतलब इनफिनिट पीपल. मतलब इतना है कि आप किसी को भी अपना दोस्त बनाओ, किसी से भी बात करो, मतलब आपके पास में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. एंड मैं तो बहुत ही ज्यादा हेजिटेंट थी कि भाई नहीं मेरे को तो यहाँ पे मतलब मैं कैसे करूँगी. कैमरा कॉन्शियस भी बहुत ज्यादा थी, या हूँ भी ये भी कह सकते हो. अभी भी थोड़ा मतलब मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा ऐसा फील होता है कि यार सोच के बोलने वाली फीलिंग आती है. तो मैं ना लॉटरी लेके आ रहा हूँ, तो वही अपन को एक चीज का शौक है वो है लॉटरी का. तो यहाँ पे अमरीका में दो ही लॉटरी आती है, पावर प्ले और मेगा मिलियन. तो ये खेलता हूँ मैं, वीक में एक बार आती है, तो दो बार आती है वीक में, तो थोड़ी सी लक आजमाते हैं कि हो जाए तो मिनिमम खेलते हैं. ऐसा कोई एडिक्शन नहीं है कि इसके बिना नहीं रह पाएंगे, पर एक है कि एक हल्का सा 0.1% आप अगर लक पे डाल दो तो क्या पता किस्मत कब बदले कब क्या हो. तो वही लेने जा रहा हूँ मैं लॉटरी, और ठीक है बात करो. तो अरे दोस्तों, तो बस लॉटरी लेने जा रहा था, सोचा कि आपको दिखाता हूँ. तो यहाँ पे गैस स्टेशन होते हैं, उनके लॉटरी का सिस्टम होता है, और उन पर आप देख सकते हो ये मशीन है लॉटरी की, जिन पर आप आते हो और चेक करते हो कि आपने कुछ जीता या नहीं. ये टिकट्स होते हैं आपके लॉटरी के, इस तरह के टिकट्स, और देखते हैं क्या रहता है किस्मत में इस बार. सारी उम्मीदें टिकट इज नॉट अवेलेबल. टिकट इज $7 आ गए, क्या बात क्या बात. ओके तो पावर प्ले पे है, हाय कैसे. इस पे तो अपना प्राइस है, इसमें प्राइस है अपना, वो देख लो एक बार. 7 है शायद, $7. साथ ही है ना 7. हाँ तो और ये दोनों का रिपीट कर दो, इसका और जो आपके हाथ में है ना उसका. हाँ रिपीट इसका भी, और ये वाला एक मेगा मिलियन है इसका भी रिपीट कर दो. बहुत दिनों बाद दिखे आप. मैं छुट्टी गया. अच्छा 5 साल बाद छुट्टी मिली. अरे बाप रे, कहाँ आपने कंट्री पाकिस्तान गए थे. नहीं नहीं, तो यहीं पे ही. यहीं पे वीक में तो पासा नहीं जाता. हाँ वो तो है, वीक में तो कहाँ, सही बात है. सर्दी के मजे ले रहे थे. सर्दी अभी थोड़ी कम हो गई ना.
नहीं हाँ वही 29 तारीख से फ्राइडे वो सर्दी थी। क्रिसमस के टाइम काफी सर्दी पड़ी, उसके बाद तो काफी कम हो गई सर्दी वगैरह। हाँ उतना ही प्राइस है, पावर प्ले वाला था, ले लो। ठीक है चलिए शुक्रिया। अब क्या होता है कि पुराना जो है आपके पुराना मंगलवार का जो अपन कर दिया फाड़ दिया, अब बचे दो फ्राइडे का और वेनसडे का, तो ये अपन ने सेव कर लिया। ये गैस स्टेशन होता है, ये अपनी गाड़ी है तो गाड़ी। चलो जी सुला दिया खाना जी को, बिल्कुल सुला दिया। हेलो जी, और बस अभी हम आए, सोने की तैयारी थी, सोचा एक बार आखिरी सलाम आप लोगों को कर लें। लाइब्रेरी गए थे, वहाँ ऑफिस का मैंने काम वाम किया, आया फिर खाना वाना खा के अपना और ऑफिस का काम था, 5 बजे तक वो किया, फिर आधे घंटे के लिए सो गया। और फिर उठने के बाद में यहाँ पे इंडियन स्टोर है, हमारे क्या घी वगैरह ये सब ख़त्म हो गया था, हमारे कोई एक लड्डू बनने वाले हैं, वो बताई गई अदिति अभी आपको कौन से लड्डू वो बनाने वाली है। और उसके बाद में उसका जो भी इंग्रेडिएंट लाना था वो लाए, और उसके बाद में बस थोड़ा वॉक किया, अब सोने की तैयारी है। और दिन लाइब्रेरी के बाद बढ़िया रहा दिन, तो क्या क्या किया लाइब्रेरी में? पढ़ाई करी, बुक लेकर आई एक नई, मैं एसएपी से रिलेटेड देखी मैंने, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे मिल जाएगी, बट अच्छी लगी बुक, अच्छी थी, मिल गई। फिर आकर के बस खाना खाकर सो गई थी, फिर जैसा 2 घंटे सोई हूँ आराम से नींद लेके, अभी भी आ रही है, मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे आ जाएगी, मुझे लगा अब तो मेरे को आएगी नहीं और मैं आपको भी नहीं सोने दूंगी, बट हाँ मुझे नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो बस अब थोड़ी देर में सोने जाएंगे, कान्हा जी को सुला चुके हैं, बाकी तो ये सामान लेके आए थे अपन सारा। ये किस चीज के लिए सामान लाए हो? ये हम लोग एक्चुअली गोंद के लड्डू बनाने वाले हैं, तो उसके अंदर वो हम लोग को थोड़ा घी चाहिए था, एक लड्डू का आटा अलग से आता है, तो मैं यहाँ पे मिलता है, मैंने कभी बनाए नहीं, तो मेरी मदर इन लॉ बना के गए थे हम लोगों के लिए, बट फिर अब वो तो खत्म हो गए सर्दियां, तो हमने कहा चलो और बनाते हैं। तो ये है वीट वाला लड्डू का आटा, एक आता है आटे का, सॉरी पूरा पैकेट आता है, थोड़ा मोटा होता है ये आटा, तो ये हम लोग लेकर आए। फिर घी हम लोग को, ये वाला डब्बा हम लोग यूज करते हैं, हाँ यार ये तो महीने भर का निकल गया अपना आराम से, इतना नहीं महीने भर ज्यादा ही है, ज्यादा ही है, काफी ज्यादा है ये तो, महीने भर के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। तो और ये आ गई शुगर की जगह हम जैगरी यूज करेंगे इसमें, तो हम लोग जब ये बनाएंगे तब आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे बनते हैं, सो आप लोग भी अपने घर पे बना सकते हो एटलीस्ट। मतलब मैं कुकिंग में उतना ज्यादा मेरे को नहीं आता है, तो मैं पूछ के करती हूँ, तो उसके हिसाब से जैसे मैं बनाती हूँ, फिर लेट्स सी जो लोग घर पे रह रहे हैं इस तरीके से वो लोग भी बना सकते हैं, जो लोग नए हैं कुकिंग में वो लोग बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हमने कान्हा जी को सला दिया, ये हमारे कान्हा जी का बिस्तर है, वो सो गए आराम से, अब लाइट बंद कर देते हैं उनकी, और क्योंकि प्रभु सो गए हैं तो हमारा भी सोने का समय आ गया है, तो आप लोगों से अलविदा, कल मिलते हैं आप लोगों से, बाय। एक सेकंड। अच्छा हाँ बनाने वाली हूँ मैं, अच्छा मेक्सिकन स्टाइल कुछ सैलेड टाइप बनाऊंगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कल हम खाने में थोड़ा सब्जी नहीं बनाएंगे, बहुत दिन हो गया, मैं तो बोर ही हो गई सब्जी खाकर, पालक सब्जी चल रहा है। बिल्कुल हमने पालक बहुत खाया है, पालक दाल, आलू पालक, सूखी पालक आलू की सब्जी, पालक कॉर्न, पालक कॉर्न, तो फाइनली पालक से और सब्जियों से थोड़ी विदा मिलेगी कल, और कोई नई चीज बनने वाली है तो मेरे लिए भी, मैं भी एक्सपेरिमेंट करूंगी, हाँ देखते हैं कैसा बनता है। चलिए जी बाय, अलविदा।